नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नई वीडियो के प्रेडिक्शन के साथ। तो आज के जो हमारी वीडियो रहेगी यूएई वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में जो पहला ओडीआई का मैच खेले जाने वाला है शारजा क्रिकेट स्टेडियम यूएई में, इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। कौन से प्लेयर को आज के मैच में जीएल में ट्राई कर सकते हो, कौन से प्लेयर को एसएल में ट्राई कर सकते हो, कौन से प्लेयर को कैप्टन लगा सकते हो, कौन से प्लेयर को वॉइस कैप्टन लगा सकते हो, ग्रैंड लीग टीम के लिए कौन सा प्लेयर आज के मैच में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से प्लेयर को आज के मैच में आप ड्रॉप कर सकते हो, पूरा डिटेल में जानेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप वीडियो देखकर अच्छी खासी टीम क्रिएट कर सके। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, फटाफट से ज्वाइन जरूर कर लेना क्योंकि फाइनल टीम आपको वहां पर प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आज का जो हमारा मैच रहेगा यूएई वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में, तो यहां पर शारजा के ग्राउंड में यह मैच खेले जाने वाला है जो यूएई में यहां पर ग्राउंड है, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले पिच रिपोर्ट के बारे में जानेंगे कि पिच रिपोर्ट किस प्रकार की रहने वाली है इस मैच की। तो यहां पर पिच रिपोर्ट के बारे में बात करें तो यहां पर पिच आपको बैटिंग की देखने को मिलेगी और यहां पर जो एवरेज स्कोर आपको देखने को मिल सकता है 226 के करीब आपको एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। यहां पर हाईएस्ट स्कोर जो बनाए हैं यहां पर पाकिस्तान की टीम ने बनाए हैं 364 रन और सबसे लोएस्ट स्कोर यहां पर इंडिया की टीम ने बनाए हैं। और स्कोरिंग की बात करें तो 200 से नीचे आपको 376 बार स्कोर देखने को मिल चुका है, 200 से 250 के बीच में यहां पर 72 बार और 250 से 300 के बीच में 69 और यहां पर 300 से भी ऊपर 15 बार इस पिच पर स्कोर बन चुका है। तो अब हम बात करते हैं कि यहां पर जो पहले टॉस करती है उसने कितने मुकाबले विन किए हैं। तो यहां पर टोटल मैच 332 यहां पर खेले जा चुके हैं और जो पहले बैटिंग करती है उसने 127 मुकाबले विन किए हैं, जो सेकंड बैटिंग करती है उसने 103 और दो मुकाबले यहां पर टाई भी हो चुके हैं, ठीक है। विकेटों के बारे में बात करते हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को 183 विकेटें इस पिच पर मिल चुकी हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को 117 और राइट आर्म फास्ट बॉलर को 621 विकेटें मिल चुकी हैं, राइट आर्म स्पिनर्स को 432 विकेटें मिल चुकी हैं इस पिच पर। तो पिच आपको बैटिंग फ्रेंडली देखने को मिलेगी, यहां पर विकेटें भी आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन आप कैप्टन वॉइस कैप्टनसी बैटिंग ऑर्डर में ही ट्राई करना क्योंकि ओडीआई का मैच है, टी20 का मैच नहीं है कि आप बॉलिंग सेक्शन में ट्राई कर सकते हो। कोई ना कोई बैटिंग ऑर्डर आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा जो आपको 100 रन भी मार के दे सकता है और वहां पर ही आपकी ग्रैंड लीग टीम थोड़ी सी यहां पर नीचे पड़ जाएगी अगर आप कैप्टन वॉइस कैप्टनशिप बॉलिंग सेक्शन में ट्राई करोगे। तो अब यहां पर थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि यहां पर रिसेंट के जो मैच खेले गए हैं वो किस प्रकार से रहे हैं। तो रीसेंट का मैच यहां पर पीएनजी और एनईपी नेपाल के बीच में खेला गया था जिसमें यहां पर 204 का स्कोर यहां पर बना था और नेपाल की टीम ने 208 रन बना दिए थे, मैच को विन कर लिया था, जिसमें पेसर्स को 12 विकेटें मिली थी और स्पिनर्स को यहां पर 2 विकेटें मिली थी, ठीक है। अगला मैच यहां पर यूएई का भी खेला जा चुका है जिसमें पेसर्स को 5 विकेटें मिली है और स्पिनर्स को 6 विकेटें मिली है। और अगला मैच यूएई और एनएएम के बीच में खेला गया जिसमें 7 पेसर्स को और 4 यहां पर स्पिनर्स को विकेटें मिली थी। फिर यहां पर ओमान और नेपाल का भी खेला गया जिसमें 8 पेसर्स को मिली थी और 3 यहां पर स्पिनर्स को विकेटें मिली थी। तो विकेट यहां पर पेसर्स को भी ठीक ठाक मिल रही है और स्पिनर्स भी यहां पर 2-3 विकेटें आराम से निकाल लेते हैं। तो यहां पर जो भी आप टीम क्रिएट करोगे उसमें पेसर्स को थोड़ा ज्यादा ट्राई करना क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो 12 विकेटें मिली है इस पर जो पीएनजी और नेपाल का मैच हुआ था, फिर यहां पर 5 विकेटें, फिर 7 विकेटें, फिर 8 विकेटें। तो यहां पर जो विकेटों का जो सिलसिला है वो यहां पर पेसर्स को अच्छी खासी मदद करता है। अब दोनों टीमों के हेड टू हेड के बारे में बात कर लेते हैं कि दोनों टीमों के बीच कितने मुकाबले यहां पर खेले गए हैं। तो यहां पर दोनों टीमों के बीच मुकाबले की बात करूं तो दोनों टीमों के बीच 2 मैच खेले जा चुके हैं जिसमें यूएई की टीम ने एक भी मैच अभी तक विन नहीं किया है और यहां पर जो वेस्ट इंडीज की टीम थी उसने 2 के 2 मैच यहां पर विन किए हैं। तो वेस्ट इंडीज की टीम यहां पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकती है। अब रीसेंट के मैच के बारे में बात करते हैं कि रीसेंट के जो मैच खेले गए हैं उसमें किस प्रकार का यहां पर परफॉर्मेंस हुआ है। उससे पहले आप एक बार प्लेइंग 11 पे नजर मार लो कि प्लेइंग 11 किस प्रकार से रहेगी आज के मैच की। तो यहां पर मोहम्मद वसीम आपको देखने को मिलेगा, यूएई की जो प्लेइंग 11 रहेगी यहां पर ए शर्मा आपको देखने को मिलेंगे, अरविंद आपको देखने को मिलेंगे, शहजाद आपको देखने को मिलेंगे, आसिफ है, रोशन है और यहां पर अहमद है, आर्यन खान और एस शर्मा दोनों में से एक आपको खेलते हुए नजर आएगा।
यहां पर कार्तिक जुनेद और जोहर खान आपको देखने को मिलेंगे। ये यूएई की प्लेइंग 11 रहने वाली है। अब हम बात करेंगे जो वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 रहेगी, यहां पर चार्ल्स आपको देखने को मिलेंगे, ब्रैडन किंग है, यहां पर ब्रुक्स आपको देखने को मिलेंगे, एस होप आपको देखने को मिलेंगे, और यहां पर एलिक आपको देखने को मिलेंगे, और आपको आरचेस, किमो कोल, ओडन स्मिथ है, और यहाँ पर डार्क्स और जी मोटी के दोनों में से आपको एक देखने को मिलेगा। तो ये प्लेइंग 11 यहाँ पर वेस्ट इंडीज की रहने वाली है। अब यहाँ पर बात करेंगे जो रिसेंट के मैच खेले गए हैं उसमें कौन से प्लेयर ने क्या परफॉर्मेंस किया है, ताकि आप जो भी टीम बनाओगे यहाँ पर जो रिसेंट के परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग आप बना लेना कि जो भी प्लेयर है अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है कंटिन्यू, उसको आप अपनी टीम में ट्राई कर लेना ग्रैंड लीग टीम में, बाकी को आप ड्रॉप कर सकते हो। अब यहां पर बात करते हैं जो यूएई के प्लेयर स्टेटस रहने वाले हैं जो रिसेंट के मैच खेल के आए हैं उन्होंने क्या परफॉर्मेंस किया है। मोहम्मद वसीम की बात करते हैं, सबसे पहले एक मैच में 11 फिर 48 65 23 और 80 परफॉर्मेंस अच्छा खासा है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। यहां पर एक शर्मा की बात करूं, ये यहां पर एक भी मैच नहीं खेला है अभी तक जो रिसेंट के मैच हुए हैं उसमें। तो यहां पर अरविंद की बात करूं 8 18 45 93 25 इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर शहजाद की बात करूं 1 46 4 54 15 इसका भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, और यहाँ पर आसिफ खान की बात करूं 46 34 82 96 तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कैप्टन वो इस कैप्टनसी में भी ट्राई कर सकते हो इस प्लेयर को। यहाँ पर रोहन मुस्तफा की बात करूं 2 रन 2 विकेट 4 रन 0 विकेट फिर 1 विकेट है, यहाँ पर 3 विकेट है, ये 1 विकेट है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो अपनी ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों टीमों में। और यहाँ पर अहमद की बात करूं 10 रन 0 विकेट 34 रन 2 विकेट और फिर यहाँ पर 1 विकेट है, यहाँ पर 2 विकेट है, ये भी आपको ऑलराउंडर में देखने को मिलेगा, 1 2 विकेट आपको आराम से दिला सकता है, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। कार्तिक की बात करूं, इसने 3 विकेट इसमें लिए है फिर 4 विकेट फिर 1 विकेट, टोटल यहां पर आप अच्छा खासा परफॉर्मेंस मान सकते हो। अभी रिसेंट में एक मैच में विकेट लेस है लेकिन बाकी हर मैच में विकेट निकाल रहा है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जुनेद सिद्दीकी की बात करूं, ठीक है 10 रन 0 विकेट फिर 3 विकेट फिर 2 विकेट, ये भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, क्योंकि यूएई के प्लेयर हैं वो इतने टॉप मतलब इतना अच्छा नहीं खेलते, बॉलिंग सेक्शन उनकी बहुत ही खराब है, तो आप इनको थोड़ा कम ही ट्राई करना। जोहर खान की बात करूं 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको टीम क्रिएट करनी है। ये नहीं है कि जिसने यहाँ पर 70% प्लेयर को सिलेक्ट कर रहा है यूएई का और आपने उसी को कैप्टन वो इस कैप्टनशिप में ट्राई कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आप प्लेयर स्टेटस के अकॉर्डिंग ही आपने अपनी ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की टीम क्रिएट करना। अब यहां पर बात करते हैं वेस्ट इंडीज का जो परफॉर्मेंस रहने वाला है, वेस्ट इंडीज के प्लेयर स्टेटस रहने वाले हैं जो रिसेंट के मैच खेल के आ रहे हैं उन्होंने क्या परफॉर्मेंस यहां पर इस पिच पर किया है। तो सबसे पहले यहां पर जे चार्ल्स की बात करता हूं 0 26 19 2 2, ठीक है परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब है। ब्रेडन किंग की बात करूं 72 30, रिसेंट के परफॉर्मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस है, आप इसको ट्राई कर सकते हो, कैप्टन वॉइस कैप्टनशिप में भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जो सामने टीम है यूएई की है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकता है। ब्रुक्स की बात करूं 18 रन 0 रन 2 रन 0 रन और 79 रन, इसका परफॉर्मेंस भी बिल्कुल खराब है। एस होप की बात करूं, इसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया हुआ है, इसको भी आप कैप्टन वॉइस कैप्टनशिप में ट्राई कर सकते हो। यहां पर रोमन की बात करूं 27 रन 2 विकेट फिर यहां पर 1 विकेट है, यहां पर भी 2 विकेट है, यहां पर 0 विकेट है, इसका परफॉर्मेंस भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल सकता है, इसको भी आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। यहां पर आरचेस आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आपको कम से कम 1 2 विकेट तो आराम से दिला के दे देगा। किमो कोल का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो यहां पर। ओडन स्मिथ की बात करूं 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, ये भी आपको 1 विकेट आराम से दिला सकता है। यहां पर अगला प्लेयर यहां पर कैक्सी है, यहां पर आपको अगला प्लेयर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी टीम क्रिएट कर सकते हो। अब यहां पर बात करेंगे जो हमारी ट्रंप कार्ड प्लेयर और आज के मैच के कैप्टन वो इस कैप्टनशिप च्वाइस रहने वाले हैं वो किस प्रकार से हैं। आप ग्रैंड लीग टीम में इन प्लेयरों के ऊपर कैप्टन वो इस कैप्टनशिप का रिस्क ले सकते हो, इनको कैप्टन वो इस कैप्टनशिप में ट्राई कर सकते हो। ये आज के मैच के फिक्स प्लेयर रहने वाले हैं, ये आज के मैच के ट्रंप कार्ड प्लेयर बनने वाले हैं, इनको हर कोई यूजर अपनी ग्रैंड लीग टीम में ट्राई करने वाला है। ठीक है, आप भी इन्हीं प्लेयरों के साथ जाओगे ग्रैंड लीग टीम में, ये आज के मैच के ट्रंप कार्ड प्लेयर बनने वाले हैं, इनमें आप थोड़ा बहुत चेंजमेंट कर सकते हो, इन प्लेयरों में से 1 2 प्लेयर को ड्रॉप भी कर सकते हो और इनको ट्राई कर सकते हो अपनी ग्रैंड लीग टीम में। ठीक है, ये आज के मैच के कैप्टन वॉइस कैप्टनशिप च्वाइस रहने वाले हैं, इनके ऊपर आप रिस्क ले सकते हो। तो ये आज के मैच के ट्रंप कार्ड प्लेयर, कैप्टन वॉइस कैप्टनशिप च्वाइस और प्लेयर्स, और यहाँ पर जो प्लेयर
स्टेटस रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। अब हम बात करते हैं जो आज भी हमारी फैंटेसी टीम रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी। यहाँ पर कैप्टनसी मैं एस होप के साथ देने वाला हूँ, यहाँ पर वॉइस कैप्टनसी मुस्ताफ के साथ जाने वाला हूँ। ये मेरी फाइनल टीम रहने वाली है ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की। और कोई अपडेट आएगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, फटाफट से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें कंटिन्यू अपडेट के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।